नमस्कार दोस्तों, AR एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये आज का दूसरा वीडियो है। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है। तो अगर हम क्रॉपिंग सिस्टम की बात करें तो इट रिफर्स टू द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेज ऑफ क्रॉपिंग एंड देयर इंटरेक्शन विद फार्म रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, एरियल एंड एडैप्टिव एनवायरनमेंट टू सूट द रीजनल और नेशनल और ग्लोबल नीड्स एंड प्रोडक्शन स्ट्रेटजी। तो इसका मतलब क्या होता है, तो क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, अगर हमें कोई भी क्रॉप ग्रो करनी है, किसी लैंड पर हम ग्रो करेंगे, तो क्रॉप की अच्छी प्रोडक्टिविटी के लिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिले, उसके लिए हम किस तरह से क्रॉप को उगाएंगे, उसके प्रिंसिपल और कौन कौन सी प्रैक्टिस जो बेस्ट होंगी जिससे हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिले, दो चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। तो प्रिंसिपल में जैसे क्या होते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन के प्रिंसिपल क्या होते हैं, जैसे बहुत सारी रिसर्च हुई और फिर उसके बाद हमें पता चला कि इस क्रॉप की स्पेसिंग अगर इतनी रखेंगे तो उससे हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, हम इरिगेशन इतने इतने दिन में करेंगे, इस स्टेज पर करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं, प्रिंसिपल। वहीं अगर प्रैक्टिसेज की बात करें तो नॉर्मल जो भी प्रैक्टिस करते हैं हम, सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक या उसके पहले उसके बाद, कल्टिवेशन ऑफ द लैंड, सोइंग हो गया, हार्वेस्टिंग हो गया हमारा, और किस तरह से इरिगेशन कब करना है, ये सारी चीज़ें जो हम करते हैं, इरिगेशन करना हो गया, फिर पेस्टिसाइड डालना हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं, प्रैक्टिसेज। तो इन्हीं का जो इंटरेक्शन होता है, जो भी फार्म के रिसोर्स हो गए, टेक्नोलॉजी हो गई, इन सब चीज़ों के साथ, वो हमारा क्या कहलाता है, क्रॉपिंग सिस्टम। इसके बाद अगर क्लासिफिकेशन की बात करें क्रॉपिंग सिस्टम का, अगर हम करें तो तीन तरह का क्रॉपिंग सिस्टम होता है। एक होता है मोनोकल्चर या मोनोक्रॉपिंग, दूसरा होता है मल्टीपल क्रॉपिंग, और तीसरा होता है फॉलो लैंड। तो मोनोकल्चर या मोनोक्रॉपिंग क्या होता है, तो कल्चर का मतलब जैसे आप जानते हैं क्या होता है, एक तरह से ट्रेडिशन होता है, और मोनो का मतलब एक। तो एक तरह से हम ट्रेडिशन बना लेते हैं कि कोई लैंड हुई तो उसमें हम एक ही क्रॉप उगाएंगे, एक साल में सिर्फ एक ही क्रॉप उगाएंगे, वो हमारा क्या कहलाता है, मोनोकल्चर। वहीं अगर मल्टीपल क्रॉपिंग की बात करें तो मल्टीपल क्रॉपिंग में हम क्या करते हैं कि एक साल में हम एक से ज़्यादा क्रॉपिंग उगाते हैं। और फॉलो लैंड का मतलब, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रति, मतलब उस साल उस लैंड पर हम कोई भी क्रॉप नहीं उगाएंगे। वहीं अगर हम मल्टीपल क्रॉपिंग की बात करें तो इसका भी क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला कौन सा है, पैरेलल मल्टीपल क्रॉपिंग, दूसरा है सिक्वेंशियल मल्टीपल क्रॉपिंग। तो पैरेलल मल्टीपल क्रॉपिंग में जैसे हो गया हमारा मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, एले क्रॉपिंग और मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग। यही अभी हमने जो आपको समझाया कि मोनोक्रॉपिंग क्या होता है, मोनोक्रॉपिंग मतलब एक ही कोई ज़मीन है उसमें सिर्फ एक साल में एक ही क्रॉप लेना, वो हमारा होता है मोनोक्रॉपिंग। और मोनोकल्चर में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, मोनोकल्चर में क्या करते हैं कि एक कल्चर बना लेते हैं कि हम एक ही क्रॉप उगाते हैं साल दर साल, एक साल मान लीजिए धान उगाया, अगले साल फिर से धान, इस तरह से हम, वो क्या होगा, वो हमारा कहलाएगा मोनोकल्चर। तो मोनोकल्चर के एडवांटेज क्या होते हैं, जैसे सिंप्लिसिटी होती है, कोई हमें ज़्यादा ऑपरेशन नहीं करने पड़ते। एक बार हमें अगर पता चल गया कि इसमें कौन से पेस्ट लगते हैं, कब वीड का ग्रो होता है, तो उस टाइम पे हम उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो एक बार अगर हमें पता चल गया तो हर साल हम वही प्रैक्टिस बार बार अपना सकते हैं। तो ये इसके फायदे होते हैं, और इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम करना पड़ता है, ये इसके क्या होंगे, फायदे होंगे। लेकिन इसके लिमिटेशन अगर बात करें तो मोनोकल्चर या मोनोक्रॉपिंग जब करते हैं तो इससे क्या होगा, सबसे बड़ा हमारा लिमिटेशन है कि सॉइल न्यूट्रिएंट्स की जो है वो कमी होने लगेगी। जब हम साल दर साल एक ही क्रॉप उगाएंगे, मान लीजिए हमने किसी सीरियल को पकड़ लिया, अब उसी को हम साल दर साल ग्रो कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, सीरियल से जैसे आपको पता है कि वो नाइट्रोजन फिक्स नहीं करती हैं, तो उससे सॉइल का न्यूट्रिएंट जो है कम होने लगेगा, प्रोडक्शन भी उससे कम होगा, आगे चल के फर्टिलिटी कम होती जाएगी। और मोनोकल्चर से फिर क्या होगा कि जो क्रॉप होगी वो वल्नरेबल हो जाएगी, किसके लिए, उस लोकल कल्चर के या जहाँ भी हम क्रॉप उगा रहे हैं वहाँ के वीट के लिए, पेस्ट के लिए, डिजीज के लिए, वो क्या होगा, प्लांट वल्नरेबल हो जाएगा। और इससे फिर क्या होगा, पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड का इंक्रीज यूज बढ़ जाएगा, उससे फिर हमारा इन्वेस्टमेंट या कॉस्ट भी जो है वो हमारी बढ़ जाएगी। और इससे एक जो लॉस होता है वो क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब कि किसी हमारे इकोसिस्टम में तरह तरह की वहाँ पर क्या है, बायोलॉजिकल फ्लोरा और फौना होते हैं, लेकिन जब हम एक ही क्रॉप उगाएंगे तो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, कम होती जाएगी, साल दर साल क्या होगा वहाँ पर डाइवर्सिटी मतलब जो है विभिन्नता नहीं देखने को मिलेगी। वहीं मल्टीपल क्रॉपिंग की बात करें तो अभी हमने आपको बताया कि दो या दो से अधिक क्रॉप जब एक साल में उगाते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग के जो क्लासिफिकेशन किया गया है, पैरेलल मल्टीपल क्रॉपिंग, तो इसमें क्या होता है कि जो एसोसिएशन में
एक साल के एसोसिएशन में पूरी जो क्रॉप उगाई जाती है उसे कहते हैं पैरेलल मल्टीपल क्रॉपिंग। इसमें पहला होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है कि मिक्स्ड क्रॉपिंग में दो या दो से अधिक क्रॉप जो होती हैं उनको एक साथ उगाया जाता है। मान लीजिए दो क्रॉप के सीड हैं, उन सीड को क्या किया जाता है, एक साथ मिक्स कर लिया जाता है, एक सीड लॉट बनाया जाता है और उनको सीधा सोइंग कर दी जाती है। तो वो हमारा कहलाता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मतलब इसमें कोई भी डेफिनेट जो है रो पैटर्न नहीं होता कि अगर हमारी आपको देखने को नहीं मिलेगी कि ये रो किस क्रॉप की है, दूसरी रो किस क्रॉप की है, एक साथ ही मिलाकर उनको मिक्स कर दिया जाता है और सोइंग कर दी जाती है, वो हमारा मिक्स क्रॉपिंग होता है। इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है उससे क्या होता है कि मान लीजिए एक तरह से रिस्क को जो है कम करने के लिए, मान लीजिए कि कुछ हो गया, मौसम ख़राब हो गया आगे चल के या बारिश हो गई, तो अगर एक क्रॉप को नुकसान हुआ तो दूसरा क्रॉप हमें थोड़ा बहुत प्रोडक्शन दे दे जिससे हमारा लॉस क्या हो वो कम हो जाए। तो ये इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। वहीं इंटरक्रॉपिंग की बात करें अगर, तो इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, होता लगभग मिक्स्ड क्रॉपिंग की तरह ही है, लेकिन इंटरक्रॉपिंग में जो है अगर दो क्रॉप उगाएंगे तो उनमें एक डेफिनेट पैटर्न होता है। मतलब जैसे सिटेरिया और रेड ग्राम को हम एक साथ उगाते हैं तो सिटेरिया की 5 रो रखेंगे पहले और फिर उसके बाद 1 रो हम रखेंगे किसकी, रेड ग्राम की। तो ये इसमें मतलब एक पैटर्न देखा जाता है, इनको मिक्स करके एक साथ नई बुआई की जाती है। इंटरक्रॉपिंग की अगर बात करें तो मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग जिस तरह मिक्स्ड क्रॉपिंग होती है वही है। रो इंटरक्रॉपिंग में रो अरेंजमेंट होता है। स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग इसकी बात करें तो ये हमारा कहाँ पर, जहाँ पर स्ट्रिप ज़्यादातर माउंटेनियस रीजन में इनके ग्रो करते हैं। और रिले इंटरक्रॉपिंग, रिले का मतलब आप जानते होंगे कि एक क्रॉप की लाइफ साइकिल ख़त्म नहीं होती और दूसरी क्रॉप की बुआई कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई क्रॉप है, यहाँ उसकी सोइंग हुई और यहाँ उसकी हार्वेस्टिंग होनी है, हार्वेस्टिंग से पहले ही थोड़ा पहले ही दूसरे क्रॉप की हम सोइंग कर देंगे और फिर इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। तो ये हमारा कहलाता है रिले क्रॉपिंग। और जब रिले क्रॉपिंग को इंटरक्रॉपिंग के रूप में यूज करें वो हमारा कहलाता है रिले इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि जब हम दो क्रॉप उगाएंगे तो इससे भी क्या होगा, एक तो रिस्क हमारा कम होगा, वहीं बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्रोथ रिसोर्सेज जैसे न्यूट्रिएंट हो गया, लाइट हो गया, मॉइस्चर हो गया, इन सब चीज़ों का क्या है बेटर यूटिलाइज होगा। जब हम दो क्रॉप बोएंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का यूज कर पाएंगे हमारे प्लांट्स जो होते हैं और हमें अच्छा प्रोडक्शन देंगे। और इससे क्या होगा, अगर एक क्रॉप का लॉस हो गया तो दूसरा क्रॉप हमें प्रोडक्शन दे ही देगा, इससे भी रिस्क हमारा कम होगा, एक्स्ट्रा यील्ड मिलेगी जो हम दूसरी क्रॉप बोएंगे। इसके बाद स्पेस और टाइम जो है इन दोनों का भी अच्छे से यूज होगा और इससे वीट कंट्रोल हो गया, पेस्ट कंट्रोल हो गया और ये सब चीज़ें भी इसमें अच्छे से किया जा सकता है। और इसका जो सबसे बड़ा फायदा है ये भी होता है कि इससे सॉइल इरोजन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम ज़्यादा क्रॉप उगाएंगे जो कैनोपी होगी हमारी वो फील्ड के ऊपर ज़्यादा होगी तो जो डायरेक्ट रेन ड्रॉप हैं वो हमारी सॉइल पर ना आकर पहले कहाँ जाएंगी, प्लांट पर गिरेंगे, जिससे हमारा क्या है सॉइल इरोजन कम होगा और किसी न किसी हद तक पेस्ट और डिजीज कंट्रोल करना भी आसान हो जाता है। और इसमें जैसे इंटरक्रॉपिंग में आप जानते हैं दो तरह की क्रॉप होती हैं, एक मेजर क्रॉप और उसके बाद जो हम दूसरी क्रॉप बोते हैं उसको हम क्या कहते हैं कंपेनियन क्रॉप। तो इससे क्या होता है कि एक जो मेजर क्रॉप होती है वो सप्लीमेंट की तरह दूसरे क्रॉप को लिए यूज हो सकती है। इससे शेडिंग और फिजिकल सपोर्ट भी मिलता है कुछ क्रॉपों को जब एक साथ उगाते हैं, एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी और इंटरक्रॉपिंग से क्या होगा एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। जब ज़्यादा काम होगा, दो क्रॉप हम बोएंगे तो ज़्यादा काम होगा तो हमारा क्या है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इससे होगा। वहीं लेकिन अगर देखें तो कुछ ना कुछ लिमिटेशन भी होती हैं, जैसे समटाइम इंटरक्रॉप वर्क एज अल्टरनेट होस्ट फॉर वेरियस पेस्ट एंड डिजीज। होस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई डिजीज हो गई या पेस्ट हो गई तो उसको ग्रो करने के लिए एक होस्ट चाहिए होता है जिससे वो अपना न्यूट्रिएंट ले सके। तो मान लीजिए हम दो क्रॉप उगा रहे हैं एक फील्ड पर, तो इससे क्या होता है कि मान लीजिए एक क्रॉप है इसका कोई पेस्ट है, इसके पेस्ट के लिए दूसरी क्रॉप जो है हमारा होस्ट की तरह यूज कर सकती है। मतलब इसमें हमारे जो पेस्ट हैं डिजीज हैं उसके कैटरपिलर हो गए या जो भी हो गए एक्स वगैरह हो गए वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं ग्रो कर सकते हैं, इससे हमारी दूसरी क्रॉप को लॉस होगा। ये अगर लिमिटेशन देखें तो ये हमारा मिक्स क्रॉपिंग में भी ये हो सकता है। डिफरेंशियल मैच्योरिटी एंड सम टाइम हार्वेस्टिंग में बिकम अ प्रॉब्लम। जब दो क्रॉप बोएंगे हो सकता है इनकी जो मैच्योरिटी पीरियड हो वो अलग अलग टाइम का हो, मान लीजिए एक क्रॉप का 120 दिन हो, दूसरी क्रॉप का हमारा 150 दिन हो, तो हमें ये जो डिफरेंस मिलेगा इससे हमें क्या होगा कि जो है हमारा इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगा और इस तरह से फिर हमें प्रॉब्लम होगी। पहले 20 दिन पहले दूसरी क्रॉप की हार्वेस्टिंग करो, 20 दिन बाद फिर से हम दूसरी क्रॉप की हार्वेस्टिंग करेंगे, तो ये सारा मैनेजमेंट इसमें क्या हो सकता है डिफ़िकल्ट हो सकता है। इस वजह से ये लेबर इंटेंसिव भी हो सकता है जब काम बढ़ेगा।
और इससे एलिलोपैथिक इफेक्ट भी हो सकता है। एलिलोपैथिक इफेक्ट क्या होता है कि एक कोई क्रॉप होती है उससे कुछ सब्सटेंस रिलीज होते हैं, कई सारी ऐसी क्रॉप होती हैं जो दूसरी क्रॉप के लिए क्या हो सकती हैं, हार्मफुल हो सकती हैं। तो अगर हम दो क्रॉप को बोएंगे हो सकता है एलिलोपैथिक इफेक्ट भी देखने को मिल जाए हमें। और पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम इन कैरिंग आउट इंटरकल्चरल ऑपरेशन, जब हम दो क्रॉप उगाएंगे तो जाहिर सी बात है वो हम क्या करेंगे, इंटेंसिव कल्टीवेशन करेंगे, मतलब कल्टीवेशन हमारा क्या होगा, सघन होगा। तो उससे क्या हो सकता है कि हमें इंटरकल्चर ऑपरेशन करने, जैसे मान लीजिए निराई हो गया, गुड़ाई हो गया, वीडिंग करनी है हमें, हैंड वीडिंग करनी है, तो इन सब इंटरकल्चर ऑपरेशन में हमें क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। वही है डिफ़िकल्टी इन मैकेनाइजेशन, मतलब मशीनों का यूज करना मान लीजिए इंटरकल्चर ऑपरेशन में, तो उसके लिए भी हमें क्या होगा कि डिफ़िकल्टी हो सकती है। देयर माइट अराइज अ कंपटीशन, कंपटीशन भी हो सकता है जब हम दो क्रॉप उगाएंगे, मान लीजिए किसी की कोई क्रॉप शॉर्ट हाइट की है, कोई लॉन्ग हाइट की है, किसी की जड़ें कम नीची जा रही हैं, किसी की जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी जा रही हैं, तो इससे क्या होगा जो न्यूट्रिएंट लेवल है इन सब चीज़ों में क्या हो सकता है, कंपटीशन देखने को मिल सकता है। सनलाइट के लिए हो गया, वाटर के लिए हो गया, तो इन सब चीज़ों में कंपटीशन देखने को मिल सकता है। यहीं अगर हम बात करें इंटर क्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग में, तो हमने आपको बताया सबसे बड़ा इनका जो डिफरेंस होता है यही होता है कि इंटर क्रॉपिंग में हम क्या करते हैं, इंटर क्रॉपिंग में हमारा डिफिनेट रो पैटर्न होता है, दो या दो से अधिक क्रॉप को एक साथ जब उगाते हैं। लेकिन मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है कि इनमें कोई भी डिफिनेट रो पैटर्न नहीं होता है, या कोई स्ट्रिप में इनकी बुआई नहीं करते हैं, एक साथ ही दोनों सीड लॉट को या जितनी भी क्रॉप हो सबके सीड लॉट को मिला के एक साथ इनकी बुआई कर देते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें इंटर क्रॉपिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है उसमें जो स्पेस है, हमारी लैंड है और टाइम है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज कैसे कर सकें, उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे ले सकें, ये होता है। वहीं मिक्स क्रॉपिंग में हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि हम अपना रिस्क कम कर सकें, जो क्लाइमेटिक हैजार्ड हैं आगे चल के हो सकते हैं, फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया या पाला पड़ गया, कुछ भी हो गया, इन सब चीज़ों से हम अपना लॉस कैसे कम कर सकते हैं, रिस्क कैसे कम कर सकते हैं। वहीं इंटरक्रॉपिंग जो मेन क्रॉप होती है उस पर ज़्यादा हम ध्यान देते हैं, मेन क्रॉप मतलब जो मेन क्रॉप हम बोना चाह रहे थे, वहीं उसके बाद जो दूसरी क्रॉप होती है उसके साथ में जो बोते हैं उसे सब्सिडियरी क्रॉप कहते हैं, तो मेन क्रॉप में हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। वहीं मिक्स क्रॉपिंग में अगर बात करें तो उसमें जब दोनों एक साथ बुआई की जाएगी, कोई अलग अलग उनका पैटर्न नहीं होगा, तो फिर दोनों में बराबर ही ध्यान देना पड़ेगा। और इंटरक्रॉपिंग में हम ध्यान देते हैं कि सब्सिडियरी क्रॉप जो है वो हमारी शॉर्ट ड्यूरेशन की हो, जिससे क्या होगा हमारा कंपटीशन भी कम होगा, जो दो क्रॉप का कंपटीशन है वाटर के लिए, सनलाइट के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, इस तरह कई सारे फायदे हो सकते हैं, ज़्यादा हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, तो ये हम ध्यान देते हैं। वहीं अगर मिक्स क्रॉपिंग की बात करें तो क्रॉप लगभग सेम ड्यूरेशन की होती हैं। इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है रो में सोइंग होती है, वहीं मिक्स क्रॉपिंग में रो में सोइंग नहीं होती है। और अभी हमने जैसे आपको बताया कि कोई कंपटीशन नहीं होता है इंटर क्रॉप में सब्सिडियरी क्रॉप का, वहीं यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा होता है मिक्स क्रॉपिंग में। तो चलिए ये हो गया हमारा डिफरेंस हो गया इंटर क्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग में। इसके बाद अगर हम बात करें तो रिले क्रॉपिंग, तो रिले इंटर क्रॉपिंग जो हमने आपको बताया था सेम वैसे ही है कि रिले क्रॉपिंग में क्या होता है, जैसे रिले रेस होती है, एक प्लेयर हमारा दूसरे प्लेयर को बैटल देता है, लेकिन दूसरा प्लेयर जो है बैटल लेने से पहले ही वो थोड़ा दौड़ना स्टार्ट कर देता है और लास्ट वाला प्लेयर उसको फॉलो करता है, फिर बैटर पकड़ाता है। इसी तरह क्रॉप होती है, क्या होता है ये मान लीजिए इसका स्विंग टाइम है और ये मैच्योरिटी टाइम है एक क्रॉप का, क्रॉप नंबर एक का, तो उसकी मैच्योरिटी के थोड़ी पहले या हार्वेस्टिंग से थोड़े पहले ही हम दूसरे क्रॉप की क्या कर देते हैं, सोइंग कर देते हैं। इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है, ये हमारा कहलाता है रिले क्रॉपिंग। जैसे एग्जांपल है मेज की हार्वेस्टिंग से पहले ही हम पोटैटो की बुआई कर देते हैं, पोटैटो की हार्वेस्टिंग से पहले हम वीट की बुआई कर देते हैं, तो इस तरह ये हमारा रिले क्रॉपिंग हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो एले क्रॉपिंग क्या होता है कि क्रॉप ये हो गया या फॉडर क्रॉप हो गया, इनको हम बोते हैं कि इनके ट्रीज के बीच में, मान लीजिए कोई एक हमारे फार्म लैंड है बहुत सारे वहाँ पर ट्रीज हैं, तो उनके बीच में हम इनकी बुआई करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है एले क्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग के फायदे हो सकते हैं हमारे, जैसे ग्रीन फॉडर हमें मिल सकता है, हायर टोटल बायोमास का प्रोडक्शन होता है। बायोमास का प्रोडक्शन कैसे होगा, एक तो हमारा ट्री होगा, मान लीजिए कोई फॉरेस्ट लैंड है उसमें बीच में खाली जो जगह है उस फॉरेस्ट लैंड के बीच में हम क्या करते हैं कि जब हम क्रॉप को ग्रो करेंगे तो उससे हमारा बायोमास बढ़ेगा वहाँ का, एक तो फॉरेस्ट से बायोमास बढ़ेगा, उसके बाद जब हम क्रॉप ग्रो करेंगे उससे बायोमास बढ़ेगा।
इफ़िशियंट यूज ऑफ द ऑफ सीजन प्रेसिपिटेशन का भी यूज कर सकते हैं, जो ऑफ सीजन बरसात होती है उसका भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए ऑफ सीजन बरसात में हम कोई क्रॉप नहीं ले रहे हैं, हम फोडर क्रॉप ही उगा ले रहे हैं, मतलब चारे वाली फसल ही उगा ले रहे हैं, तो इससे हमारा क्या होगा, उस प्रेसिपिटेशन या बरसात का हम यूज कर सकते हैं। एडिशनल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा हमें, और ये एक तरह से सरफेस रन ऑफ को भी कम करेगा, जिससे हमारा क्या होगा, इरोजन भी कम होगा और सॉइल और वाटर का कंजर्वेशन भी होगा। ये ज़्यादातर कहाँ होती है, ह्यूमिड ट्रॉपिक्स में ये ज़्यादा फॉलो की जाती है। इसके बाद हम बात करें अगर तो क्या आता है हमारा सिक्वेंशियल मल्टीपल क्रॉपिंग। तो सिक्वेंशियल मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या होता है, एक मल्टीपल क्रॉपिंग ये है, मतलब दो या दो से अधिक क्रॉप एक साल में उगाएंगे लेकिन एक सिक्वेंस में उगाएंगे। इसमें भी क्या होता है, रिले से थोड़ा अलग होता है। रिले में हम क्या करते हैं कि पहली क्रॉप की लाइफ साइकिल में ही दूसरी क्रॉप की बुआई कर देते हैं, लेकिन सिक्वेंशियल क्रॉपिंग क्या करते हैं, एक सिक्वेंस में बोते हैं। एक क्रॉप की बुआई हुई और उसके बाद ही हमने तुरंत हार्वेस्टिंग के बाद ही हमने दूसरी क्रॉप की बुआई कर दी, बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया हमने, लैंड को बिल्कुल भी खाली नहीं रखा, यही हमारा कहलाता है सिक्वेंशियल क्रॉपिंग। और जब इसको मल्टीपल क्रॉपिंग की तरह यूज करते हैं, मतलब एक साल में दो या दो से अधिक क्रॉप लेते हैं एक लैंड पर, तो हमारा कहलाता है सिक्वेंशियल मल्टीपल क्रॉपिंग। इसमें जैसे एक हो गया डबल क्रॉपिंग, डबल क्रॉपिंग में क्या करेंगे कि इसमें दो दो क्रॉप एक साल में सिक्वेंस में ही यूज करेंगे, सोइंग करेंगे। जैसे एक क्रॉप हुई, यहाँ पर इसकी हार्वेस्टिंग हुई, हार्वेस्टिंग के जस्ट तुरंत बाद ही दूसरी क्रॉप की ग्रो कर दिया हमने, ये हमारा हो गया डबल क्रॉपिंग। ट्रिपल क्रॉपिंग में क्या करेंगे हम कि तीन क्रॉप उगाएंगे एक साल में। इसी तरह क्वाड्रपल क्रॉपिंग में क्या करेंगे हम, चार क्रॉप उगाएंगे एक साथ, यही हमारा होता है सिक्वेंशियल क्रॉपिंग। इसके बाद एक और आता है रेटून क्रॉपिंग या रेटूनिंग। तो रेटूनिंग आपने देखी होगी, आपने शुगर केन की क्रॉप देखी होगी। शुगर केन में हम क्या करते हैं कि शुगर केन की जब हार्वेस्टिंग होती है तो उसकी जब कटाई होती है तो हम उसमें थोड़ा थोड़ा जो है उसका पोर्शन लेफ्ट आउट कर देते हैं, उसको बचा देते हैं किसमें, लैंड में ही। और उसके बाद जब फिर से हम इरिगेशन करते हैं, उसको इरिगेट करते हैं, तो वो क्रॉप फिर से हमारी तैयार होने लगती है। तो ऐसे बार तीन से चार बार हम क्या करते हैं शुगर केन में, इसी तरह से हम क्रॉप को तैयार करते हैं। तो यही हमारा क्या कहलाता है, रेटून क्रॉपिंग। द कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप रीग्रोथ, मतलब क्रॉप की रीग्रोथ करते हैं, एक बार कटाई हुई फिर उसको रीग्रो करते हैं एंड हार्वेस्टिंग, यही हमारा कहलाता है क्या, रेटून क्रॉपिंग। अब अगर एडवांटेज की बात करें मल्टीपल क्रॉपिंग में, एक साल में दो से अधिक या दो क्रॉप उगाना, तो आप समझ सकते हैं एडवांटेज, अपने आप से भी समझ सकते हैं कि इससे एक तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। जब हम कई तरह की क्रॉप उगाएंगे तो उसमें क्या होगा, न्यूट्रिएंट भी हमारे बढ़ेंगे, बायोमास बढ़ेगा, तो वो जब सड़ेगा तो ऑर्गेनिक मैन्योर बनेगा, तो इस सब चीज़ों से हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। और इसमें तरह तरह की नीड भी पूरी होंगी हमारी, फूड ग्रेन भी की नीड, पल्सेस भी उगा सकते हैं, साथ में हम ऑयल सीड भी उगा सकते हैं, वेजिटेबल्स भी उगा सकते हैं, या फिर हम चारा भी उगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, देख रहे हैं आप, तरह तरह की हमारी जो ज़रूरतें हैं वो हमारी पूरी होती रहेंगी। और लेबर का भी, लेबर जो हमारी होगी, एग्रीकल्चर लेबर जो होगी, उसको भी साल भर हमें काम मिलता रहेगा। और लैंड, लेबर, पावर, इन सब चीज़ों का, रिसोर्सेज का जो है वो अच्छे से यूज होता रहेगा। और रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम थ्रू आउट द ईयर, फ्लो का जो इनकम का जो फ्लो है वो हमारा रेगुलर होता रहेगा। एक बार हमने कोई क्रॉप ग्रो की, उसके बाद हमें दूसरी करनी है, तो पहले क्रॉप से जो भी हमारा प्रोडक्शन हुआ उसको हम जब फार्म बेचेंगे, उसको मार्केट में, वहाँ से जो पैसा मिलेगा उसको दूसरी क्रॉप में इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरह से हमारा फ्लो हमारा चलता रहेगा। वहीं अगर लिमिटेशन की बात करें तो फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है। जब हम इंटेंसिव क्रॉपिंग करेंगे तो क्या होगा कि ज़्यादा क्रॉप उगाने की वजह से फर्टिलिटी हमारी कम हो सकती है। समटाइम्स इट अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल ड्यू टू कंटिन्यूस क्रॉपिंग एंड इरीगेशन। सॉइल का जो है स्ट्रक्चर और टेक्सचर भी बिगड़ सकता है। आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि हमने आपको पहले बताया कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ये इसका एडवांटेज है, लेकिन लिमिटेशन में भी कह रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी कम होती है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो दोनों हो सकते हैं, एडवांटेज भी है, जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ भी सकती है और प्रोडक्टिविटी कम भी हो सकती है। अगर हम अच्छे से मैनेज करेंगे मल्टीपल क्रॉपिंग पे तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहेगी। हम अच्छे से लैंड को अगर सही से उसमें क्रॉपिंग सिक्वेंस का यूज कर रहे हैं, सही से उसमें देख रहे हैं, एक बार कोई हम सीरियल ले लेते हैं उसके बाद पल्स ले लेते हैं, तो उससे हमारी प्रोडक्टिविटी कम नहीं होगी। लेकिन कहीं हम मल्टीपल क्रॉपिंग में भी सीरियल ही उगा रहे हैं हर सीजन में, तो इससे हमारा प्रोडक्टिविटी घट भी सकती है। वहीं अगर देखें तो समटाइम पेस्ट, डिजीज और इन सब का कंट्रोल भी हमारा क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है।
क्यों हो जाता है? क्योंकि आप देखेंगे, जैसे एक पॉइंट था कि होस्ट के लिए होस्ट का काम करता है दूसरी क्रॉप, तो इस तरह से मल्टीपल क्रॉपिंग में भी क्या हो सकता है कि एक सीजन की क्रॉप दूसरे सीजन की क्रॉप के लिए होस्ट का काम कर सकती है। तो इस तरह से इन सब चीज़ों का फिर मैनेजमेंट करना हमारा डिफिकल्ट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, ये आज के लिए हमारा क्रॉपिंग सिस्टम था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्द। धन्यवाद।